मालूम नहीं कि तुम कितने गए थे और वापस कितने लोग आए? तुम्हें मालूम नहीं कि दुश्मन हमारा पीछा कर रहा है? तुम्हें मालूम है तो सिर्फ रुपया बटोरना और घोंसले खाली करना। माफ करना हुजूर, दोबारा ऐसी भूल नहीं होगी। होने दो ताकि कोई न बचे, न कोई माफी देने वाला और न कोई माफी मांगने वाला। मैं पूछता हूं कि जो खतरा हम सब लोगों के ऊपर मंडला रहा है तुम लोगों के खातिर, उसका क्या इलाज? बोलो क्या मतलब? हमारी गर्दन नहीं हुजूर, वो सरकारी एजेंट की, वो सरकार तक जा नहीं सकेगा रिपोर्ट देने। बातें कम काम ज्यादा, कोई ना बचे, वो न कोई सबूत जो हमारी मौत बन जाए। जाओ तुम सब लोग। जाए भैया, भैया इतने दिन ड्यूटी। कमला ड्यूटी। This is 211081. Book an urgent call to Delhi. लेकिन भैया, ये कैसी नौकरी है तुम्हारे? किस मेडिकल कंपनी की? जब देखो घर से बाहर, कई कई दिन, कई कई हफ्ते, खाने को वक्त न सोने को, किस काम की ऐसी नौकरी भैया? शायद कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए तुम्हारे लिए। भैया, मैं जब भी तुम्हारी नौकरी के बारे में पूछती हूँ तुम टाल जाते हो, कभी नहीं बताते कहाँ जाते हो, क्यों जाते हो, कब आओगे, कब तक नहीं आओगे। कभी कभी तो मुझे शक होने लगता कि तुम कुछ करते भी हो कि नहीं। कमला, क्या तुम समझती हो मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं, ये बात नहीं भैया। कमला, तुम्हें मुझ पर भरोसा है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम ही मेरी सब कुछ हो बहन। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि शहनाइयाँ बजने लगे, तुम्हारे हाथ पीले हो जाए किसी तरह, और कोई ऐसा लड़का मिल जाए जो तुम्हें सुखी रख सके, यहाँ से भी ज्यादा, मुझसे भी ज्यादा। भैया, मैं अपनी छोटी सी बहन के लिए क्या नहीं कर सकता। हेलो सर, एक जरूरी रिपोर्ट पेश करूं? यस। मेरे पास कुछ फोटो हैं, सबूत कि हमारी दुश्मन कंपनी क्या कर रही है। फोटो? वेरी गुड। मेरी रिपोर्ट पढ़कर आप सब कुछ समझ जाएंगे। फौरन भेज रहा हूं। ओह नो, यू हैव टू कम इन पर्सन। खुद आना होगा, फौरन। सर फौरन। यस सर। भैया, दो एक दिन में वापस आ जाऊँ कंपनी के डायरेक्टर को अपनी रिपोर्ट। आज ही तो आए हो, कल नहीं जा सकते क्या? नहीं, हमारी कंपनी जो कुछ भी कर रही है जनता के फायदे के लिए। तुम्हें नहीं मालूम अगर हमारी दुश्मन कंपनी की दवाएं मार्केट पर पहुंच गई तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारा। Thank you.
कुछ नहीं मिला। चलो। क्या? I see. एजेंट 116 को हाजिर किया जाए 3 घंटे के अंदर, जहां कहीं भी हो, इस हालत में। चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए। दीवाना
जिसके सब दीवाने हा, मैं हूँ वो दीवाना जिसके सब दीवाने हा, किसको है जरूरत तेरी है जमाने हा, मेरा अपना राजा दुनिया से क्या वास्ता, मेरे दिल में तमन्नाओं की दुनिया जवां है, मेरे लिए मेरे लिए मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलो चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए मेरे लिए। मेरी आंखों से जरा आंखें तो मिला दे हा, मेरी आंखों से जरा आंखें तो मिला दे हा, मेरी राहें रोक ले नजरें तू बिछा दे हा, तेरे सर की है कसम मैं जो चला गया सनम, तो ये रुत भी चली जाएगी, ये तो यहाँ है मेरे लिए बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलो चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए मेरे लिए। सबको ये बता दो कह दो हर नजर से हा, सबको ये बता दो कह दो हर नजर से हा, कोई भी मेरे सिवा गुजरे ना इधर से हा, बतला दो जहां को समझा दो खिजा को, आए जाए यहाँ ना कोई, ये गुलशना है मेरे लिए मेरे लिए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलो चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए। कहीं ये सपना तो नहीं गोपाल? नहीं मोहिनी, मैं कितनी बार तुमसे कहूं कि मैं मोहिनी नहीं पसंदती हूं, और मैं तुमसे कितनी बार कहूं कि तुम मोहिनी हो सर से पांव तक मेरी नजरों में। हाय, आंखें ऐसी कि देखा न जाए, होंठ ऐसे कि प्यास और बढ़ जाए, हंसी ऐसी कि दिल में कलियां खिलने लगे। नहीं, मत देखो, मत देखो ऐसे, कहीं ऐसा न हो कि मैं, ऐसा ना हो कि तुम खो जाऊं, भूल जाऊं कि कहां हूं मैं। कहां हूं? जहां मैं अपनी जान पर खेल सकूं तुम्हारे लिए, अपने लिए। सच? मगर एक शर्त। कहो कि तुम मेरी, तुम्हारी हूं। कहो, इसी का नाम मोहब्बत है। मोहब्बत, मोहब्बत, मोहब्बत ऐसी कि कहां न जाए, मोहब्बत ऐसी कि रहा न जाए, इश्क ही इश्क, प्यार ही प्यार, दुश्मन इश्क पास जो आए
मार ले यार, जाने ना पाए। गोपाल। अरे मोहन, तुम? हाँ मैं, तुम्हें बॉस ने बुलाया है फौरन। ओफो, लानत तुम पर, जब भी आए बेवक्त। लगता है इस दुनिया की सब हसीनाएं तड़प तड़प कर मर जाएंगी मेरे इस नौकरी की बदौलत। क्या हुआ गोपाल? आओ वसंती, एक बुरी खबर, मेरे दादा जान की तबीयत अचानक खराब हो गई। He's serious. हाँ, very serious. He's right. वो अपनी वसीयत लिखवाना चाहते परलोक सिधारने से पहले। क्यों? और सब कुछ इसके नाम करना चाहते। जाना ही होगा वसंती। तो फिर कब? फिर कब क्या करूँ वसंती, मेरे दादा जान को भी यही वक्त मिला है परलोक सिधारने का। जरा जाने से पहले उन्हें रोक लूं, फिर तुम और मैं और तुम। बाय वसंती। बाय 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 बाय। नजर तेज, बिना पोलादी, दिल मजबूत लेकिन पिघलने वाला। पूरी आदतें कम करनी होगी। Let's No, sir. Good. You are in a fit condition. Sit down. Thank you, sir. गोपाल, दुश्मन ने हमारे एजेंट 303 का खून कर डाला है किसी तेज हथियार से। Oh my God. दुश्मन किसी दूसरे मुल्क का जासूस है जो हमारे देश में साबोताज कर रहा है, तोड़ फोड़ चंद हिंदुस्तानियों की मदद से। हिंदुस्तानी नहीं, गद्दार कहिए। जोश काम, अमल ज्यादा। हमें दुश्मन का अड्डा मिटाना है। 303 के पास कुछ सबूत थे और चंद फोटो। सबसे पहले तुम्हें वो हासिल करना होगा। डेफिनेटली सर। तुम्हें आज ही जाना होगा दिल्ली से बाहर। हाँ सुनो, जहाँ तुम्हें भेजा जा रहा हूँ हमारा अपना एक आदमी है, नाम शांताराम। असली काम हर तरह से तुम्हारी मदद करना, और नकली काम पहले देख कर समझ जाओ। यस सर। गुड लक सर। 303 की एक बहन है, नाम कमला। उसे मालूम नहीं कि उसका भाई सरकारी एजेंट था। समझिए, लेकिन ये नहीं समझ सके कि वो तुम्हारा साथ दे सकती है। यस सर। गुड लक। जय जय। मिलते वो तुम लोगों की तरफ बेवकूफ नहीं थे, जरूर प्रिंट करवाने के लिए किसी फोटोग्राफर की दुकान पर दिए होंगे। और तुम लोग उसे ढूंढ रहे हो पेड़ों पर, खेतों में, नदी नालों। जा, किसी फोटोग्राफर की दुकान न बचे। खाली हाथ आए तो हाथ काट के रख दो। जाओ, मेरा मुंह क्या देखते। सुनीता, प्लीज टेक योर सीट। देख रहे हैं। मालूम नहीं आपके माँ बाप ने क्या नाम रखा होगा, पर सूरत कहती है मोहिनी होना चाहिए। मोहिनी? जी हाँ, सर से पांव मेरी नजरों में। यकीन न हो तो किसी आटी से पूछ कर देख लीजिए। हाय, आंखें ऐसी कि देखा न जाए, होंठ ऐसे कि प्यास और बढ़ जाए, हंसी ऐसी कि दिल में कलियां खिलने लगे। चाहिए कहीं मुझे नहीं जाऊँ शर्म के मारे। सुनिए तो मोहिनी जी। मोहिनी जी। देखो जी, मेरा नाम मोहिनी नहीं, सुनीता है ना? अरे आपको कैसे मालूम? जैसी सूरत वैसा नाम। हाँ तो आप अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हैं। अगर आपके घर में किसी की चलती है तो आपकी, और जिसे देखो आपके इशारों पे नाचता है ना? ओ, आप तो सब कुछ जानते हैं। तो आप ये भी जानते होंगे कि मेरे पापा कौन है? जी नहीं। तो आपने जो अभी अभी कहा, साइकोलॉजी, चाल ढाल, रंग ढंग, आपकी सूरत देखकर। प्लेन में आई तो देर, लेकिन चेहरे पे जरा भी घबराती, इसका मतलब हर तरह की आजादी। बस एक अदा और इंसान की पूरी जिंदगी खुली किताब की तरह सामने, इसी का नाम साइकोलॉजी है। लेकिन मैं इसे आर्ट कहता हूँ। तो आप बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं। आधा वर्जन, जरा सी मेहरबानी और तो हाथ की रेखाएं भी पढ़कर बता सकता हूँ। ओहो, व्हाट ए वंडरफुल हैंड। हाथ हो तो ऐसा, हाथ की रेखाएं बताती हैं जैसा हाथ वैसा दिल। योर अटेंशन प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, इन अ फ्यू मिनट्स आवर प्लेन विल बी लैंडिंग एट सेंट्रल क्रूज एयरपोर्ट।
हाँ तो कहाँ रहती हैं? क्या बताया था आपने अभी? मैंने कुछ नहीं बताया, आपकी साइकोलॉजी हाथ की रेखाएं खुद ही मालूम कर लीजिए ना। खैर मुश्किल तो नहीं, लेकिन पता लग जाने पर मुलाकात तो करोगे ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, पता मालूम कर लोगे तो मुलाकात जरूर होगी। मैडम मेरी कार खराब हो गई है, प्लीज हेल्प मी। आइए देखते हैं। नाम गोपाल है, मैंने एक कार भेजा था, मिला आपको? यस सर, आपका कमरा बुक्ड है, चौथे फ्लोर पर नंबर 40। थैंक यू। अगर मुझे साथ वाला कमरा भी मिल जाए तो अच्छा होगा। लेट मी चेक अप। यस सर, मिल सकता है। थैंक यू। Thank you.
तो क्या डर रहा है? अरे मेरी आंख लगा, मेरा चश्मा दे दो। दे दे लंबू, दे दे लंबू, दे 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 मेरा चश्मा, दे दे। थैंक यू, थैंक यू। ए कौन है तुम? क्या शांताराम जी घर में हैं? काम है कि नहीं? नाम है कि नहीं? काम है कि नहीं? यहाँ नहीं, वहाँ अंदर। वेरी गुड। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? काम मिल सकता हूँ कि नहीं? नाम मिल सकते हो, मिल सकते हो, मिल सकते हो, मिल सकते हो, मिल सकते हो। ठहरो ठहरो, कहाँ जा रहे हो? अरे वो राजू भैया, ओ राजू भैया, देखो इस मुसीबत को नाम बता दे ना। काम कैसे जाएगा? क्या बात है निक्कू, क्या बात है? ये श्रीमान जी अपने बाबू से मिलना चाहते हैं। किसलिए? खबर नहीं। पूछो इनसे। खबर नहीं। होना चाहिए मगर नहीं। तो फिर उनसे कहो के जहाँ से आए वहाँ वापस चले जाएं। क्यों श्रीमान जी? नहीं जाएंगे। इनसे कहो के जहाँ से आए वहीं चले जाएं। अंदर जाने को बोल दे। पधारिए श्रीमान जी, पधारिए। बाहर नहीं तो अंदर जाइए। अंधे चश्मा पहन ये मैं हूँ, मैं। ओ राजू भैया, राजू भैया अंदर आइए। ये साहब, मैं आपकी क्या खातिर कर सकता हूँ? जी मैं आपसे बिजनेस करना चाहती हूँ। बिजनेस? क्या आप गुड़ खरीदेंगे? जी नहीं, मैं अदरक बेचूंगा। 116 रुपए मन। 116। पिछला भाव? 303। बड़ी खुशी मिलकर आपका। मुझे गोपाल कहते हैं। गोपाल कहते हैं। देखिए मुझे शांताराम कहते हैं। निप्पू समझ में नहीं आता, ये आदमी मुझे कुछ भैरूपिया मालूम होता है। हर चीज गोरख जाना। राजू बेटे, राजराना बेटे आए। बापू क्या है? बापू राजू इनको जानते हो? हाँ बापू, खाना बदोश, घर के ना घाट के, आज यहाँ कल वहाँ, चलता पुरजा हर फल मौला। बापू और बताओ। मिस्टर गोपाल, प्रोप्राइटर जनरल ट्रेडिंग कंपनी। मिस्टर गोपाल कृष्ण, चीफ रिप्रेजेंटेटिव हिमालय मोइटोन। मिस्टर गोपाल कृष्ण गोपीनाथ, MBBS PhD ICCO, स्पेशल डिप्लोमा कुएं खोदने और नल में से पानी निकालने के। बापू इनके और पैसे बताओ क्या क्या है? नहीं बेटे, और कोई बताने की जरूरत नहीं है। बेशरम, तुम्हारी बहुत बुरी आदत है, विजिटिंग कार्ड तोते की तरह रख लेते हो। चलो इनका पर्स दे दो। बापू बेशरम, देता हूँ। जी जी माफ करना, मेरा राजू पॉकेट मारने में एक नंबर है। जी नहीं, नंबर दो है। बापू ये तो मेरी इंसल्ट है। बाकी इंसल्ट है, ये हो ही नहीं सकता। जी हाँ ये सच है, इनसे पूछिए इनका पर्स कहाँ है। पर्स निकाल बेटा। ये है आपका पर्स। बापू ये तो मेरे भी गुरु निकले। जरूर निकलेंगे, कोई तो नहले पे दहला निकलेगा बेटे। बापू जैसे को तैसा। थैंक यू। का मतलब है सरकारी एजेंट 116। 116 करेक्ट। राजू बेटे जानते हो, दुश्मन ने इनके स्वागत के लिए बड़ी तैयारी की थी, लेकिन इन्होंने एक ऐसी चाल चली कि उनका सारा प्लान चौपट हो गया। जैसे को तैसा। नहले पे दहला? नहीं बापू, दहले पे एक का। ये दिखाना तुम्हारा काम है। जी जाओ पता लगाओ कि वो लोग कौन है। बस लगा ही लिया, समझ लीजिए बाबू, पता लगा ही लिया। वेरी गुड। गोपाल बाबू जिस चीज की जरूरत हो बेतकल्लुफ मांग लीजिए, ये हमारी बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत से लोग काम करते हैं, और मेरे जितने लड़के हैं सब इस कंपनी में काम करते हैं। आपके लड़के? हाँ, घर के आदमी हो तो नुकसान कम, घेराव का भी डर नहीं। आपने राजू को देखा था ना? वो मेरी पहली बेबी का चौथा बेटा। और लंबू बाहर जो खड़ा था वो चौथी बेबी का दूसरा लड़का। चौथी बेबी? तो यहाँ क्या कर रहा है अभी तक? तो बापू मैं कुछ जरा सुन रहा हूँ यहाँ। सुन रहा है? मतलब है कुछ सोच रहा हूँ। रास्ते में सोच, रास्ते में सोच, चल जा जल्दी। अच्छा बापू अच्छा। अबे उधर कहाँ जा रहा है? क्या कर रहा तू? कुछ नहीं बापू, जरा सोफा जमा रहा था। क्या सोफा है? इसको कहते हैं सोफा कम बेड। सोफा कम और बेड ज्यादा, दूर जाने की जरूरत नहीं बाबू। दफ्तर का दफ्तर और बेडरूम का बेडरूम। होशियार बेटा है मेरा। चिक्के बापू इधर क्या कर रहा है? शॉर्टकट बापू, शॉर्टकट। शॉर्टकट के बच्चे बैठे। क्यों बापू तुमने ये रास्ता बंद कर दिया है क्या? बदतमीज, बाप से पीट पीट करता है। नहीं तो बापू मैं कहता हूँ राजू तुझे जरूर मुझ पे शक है। बापू बिल्कुल नहीं। अगर शक है तो खोल दरवाजा। नहीं बापू देख। नहीं नहीं बापू नहीं। मैं कहता हूँ देख ले। नहीं बापू नहीं नहीं देख ले, मैं खोलता हूँ। नहीं बापू नहीं।
तुमको घात ना गुल हो जाने के लिए? जी अंधेरा गुप है, कैसे गुल हो जाती? अरे अंधेरा गुप है, कैसे गुल हो जाती? दिमाग वहां पर ना था, दिमाग। चलो चलो। वो अच्छा, तो शांताराम जी, हाँ जी, मैं फौरन जाकर 303 की बहन से मिलता हूँ। अच्छी बात। अगर आपका कोई खास आदमी, ज्यादा समझदार नहीं, वफादार, हुक्म का गुलाम, वो तो काम चल जाएगा। क्या बात करते हैं गोपाल बाबू, इस घर में एक से एक समझदार है सिवाय मेरे। बेटा लंबू, जरा निकू को भेजना बेटे। शाबाश गोपाल बाबू, आपकी हर मांग पूरी हो सकती है इस घर में। अरे हेयर पिन से लेकर ये है निकू, मेरी चौथी बीवी का, तीसरी बीवी का। अच्छा, आपका बेटा ही है ना? जी नहीं, ये मेरी बहन का बच्चा है, मेरा भांजा है। देखो बेटा निकू, जैसा गोपाल बाबू कहे वैसे ही करना, साये की तरह इनके पीछे रहना। वंडर पे थंडर, अब तो मुझे भी काम मिल गया। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। तुम देखना मैं झंडे गाड़ दूंगा, झंडे। अबे पहले सीधे खड़े रहे, झंडे बाद में गाड़ना। अटेंशन, पेट अंदर, सीना बाहर, सर ऊपर। नमस्ते। अबे उधर कहाँ नमस्ते करता है, उनके साथ तो जाना है। नमस्ते मुझे कहा। नमस्ते जीते हो बेटे जी, आइए आइए। आइए आइए, तशरीफ रखिए जनाब। है? आप अकड़ क्यों गए? अकड़ू नहीं तो क्या करूं, मुझे किसी ने पहली बार जनाब कह के पुकारा है सर। हाँ देखो गुरु, ये जनाब बना आपको मारो गोली। आज से मैं निक्कू, तुम गुरु। अगर मंजूर हो तो दो कदम आगे, नहीं तो चार कदम पीछे। अच्छा अच्छा, दो कदम आगे। क्या देख रहे हो गुरु? देख रहा हूँ मेरी गैर हाजिरी में कोई बिन बुलाया मेहमान तो नहीं आया? आया, अभी तक तो नहीं आया। घबराओ नहीं गुरु, घबराओ नहीं। वंडर पे थंडर, आई एम हियर, डोंट फियर, कम नियर। बकवास बंद करो निकू, वक्त बहुत कम है। तुम शहर भर के तमाम फोटोग्राफरों की दुकान में फोन करके। ओ, समझ गया गुरु, समझ गया। वंडर पे थंडर, थंडर पे वंडर, वंडर पे। हेलो हेलो, मेरा नाम निकू है, तुम्हारा नाम? क्या बात है निकू? कुछ नहीं गुरु, कुछ नहीं। नाम बड़ा अच्छा है, शट अप। मिस शट अप। मिस शट अप? यस गुरु। लेकिन गुरु तुमने ये तो बताया नहीं कि पूछना क्या है। इडियट, पूछना सिर्फ इतना है कि अमरनाथ नाम के आदमी ने कोई फिल्म का रोल डेवलप करने तो नहीं दिया। इतने में उसकी बहन से मिलकर आता हूँ। बी वेरी अलर्ट, समझदार रहना, समझे? ओके गुरु, ओके। आई एम हियर, डोंट फियर। मुझे भी बहुत दुख है आपकी भैया के देहांत की खबर से। क्या आप भी वही काम करते हैं यहाँ मेरे भैया? मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, ये जानने से फायदा? बस ये समझ लो कि जिन लोगों ने आपके भाई का खून किया है वो अभी पकड़े नहीं गए, यही मंडला रहे। कौन है वो लोग? अगर मुझे पता चल जाए तो? नहीं, गुस्सा ही सब कुछ नहीं, बदला, बदला लेना जरूरी है। हमें मालूम हुआ है कि आपके भाई के पास कुछ सबूत थे, चंद फोटो जो उन्होंने मरने से पहले खींचे। या कोई कैमरा तो नहीं ना? कैमरा नहीं। और सोच लीजिए, वो कैमरा बहुत जरूरी है दुश्मन को पकड़वाने के लिए। शायद दुश्मन उसे हासिल करने आपके पास आपके भाई के दोस्त और आपके हमदर्द बनकर। इतनी हिम्मत उनकी? यही तो पेशा है उनका। बदला लूंगी फौरन। नहीं, फौरन नहीं, बहुत चालाक। तो आप ही बताइए क्या करना होगा मुझे अपने भैया के लिए। जब वो बदमाश आए तो उन्हें दूसरे दिन आने को कहिएगा, किसी भी बहाने। ठीक, मैं आपको फोन करता रहूंगा, फिर जो कुछ होगा हम देख लेंगे। फिर जो होगा मैं भी देखना चाहूंगी अपनी आंखों से। जरूर, लेकिन तब तक समझदारी, होशियारी। नमस्ते, आप अमरनाथ की बहन हैं? मैं उनका दोस्त। मुझे बहुत अफसोस है, हम दोनों एक साथ काम करते थे, एक ही सरकारी डिपार्टमेंट। सरकारी डिपार्टमेंट? शायद आप भूल रहे हैं,
मेरे भैया तो दवाइयों की कंपनी में काम करते थे। जी नहीं, वो सीआईडी में थे। अपना फर्ज पूरा करते हुए देश के लिए वो शहीद हो गए। हमें उनका बदला लेना है, आपकी सहायता, आपकी मदद से। सहायता? मदद? मैं क्या सहायता कर सकती हूँ आपकी? याद कीजिए, उनके पास कुछ फोटो तो नहीं थे या कोई कैमरा? कैमरा? फोटो? माफ कीजिए, बिला वजह मैंने आपका दिल दुखाया, पर क्या करूं, मजबूरी है। जितना दुख आपको है उतना हमें भी है, लेकिन हम बदला लेकर रहेंगे, हम और आप, जितनी जल्दी हो सके। हाँ, जितनी जल्दी हो सके, लेकिन देखिए आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं आपके किसी बात का जवाब नहीं दे सकती। समझ, अच्छी तरह समझ, आप परेशान मत हो। तो फिर कब आऊं? कल? कल? हाँ ठीक है, ठीक, मैं फोन करके पूछ लूंगी। जी नहीं, मेरा मतलब है आप फोन कर लीजिएगा आने से पहले। बहुत अच्छा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आपका सेवक। गुड इवनिंग, मुझे मिस्टर अमरनाथ ने भेजा है। जी जरूर भेजा होगा, लेकिन इसमें मेरा क्या दोष है? हाँ? ये नाम पहली बार सुना है। नहीं नहीं, दूसरी बार। पहली बार वो आए थे तो बड़े बेवक्त। बेवक्त? हाँ बेवक्त, लेकिन ये क्यों बताऊं कि वो रात के वक्त आए थे? जी हाँ, बताना भी नहीं चाहिए, इसलिए नाम भूल गया। अजी नाम को छोड़िए, ये बताइए आपको कोई चीज दी थी उन्होंने? हाँ दी थी, लेकिन ये क्यों बताऊं कि वो फिल्म थी? हाँ, लेकिन फिल्म देने के बाद न तो वो खुद आए न किसी को भेजा, फोन किया। कैसे आते हैं? उन बेचारों का एक्सीडेंट हो गया। समझ गया, तब तो आप ये भी समझ गए होंगे कि मैं किस लिए आया हूँ। अगर वो फिल्म मिल जाए तो खैर। ये लीजिए। ठीक है, थैंक यू मिस्टर मनी। ये लीजिए हुजूर। ये नहीं, होता तो देना देता, होता तो लेना लेता। थैंक यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अमरनाथ ने फिल्म दी थी? जी हाँ, लेकिन क्यों बताऊं कि दी थी? अब भी आपके पास है? हो सकती है, लेकिन क्यों बताऊं कि नहीं है? सीधी तरह जवाब दो वरना। वरना? नहीं नहीं, मेरा नाम वर्मा है, वर्मा। मैंने तो बहुत कुछ खा था। खैर मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स तुम्हारी एक चीज। मेरी एक चीज? क्या है? याद करो क्या खोया है तुमने? याद नहीं। याद नहीं? ये। ओ ये। शायद कीमती नहीं लगता, ऐसे लापरवाही ठीक नहीं। चलो कुछ तो मालूम हुआ।
अब चाहे कुछ भी खो बैठो, अपनी सबसे कीमती चीज जानते हो कहीं जाएगी नहीं, मिल जाएगी आपसे। जवाब नहीं तुम्हारा और तुम्हारी अदाओं का। फर्ज करो तुम्हारी कोई चीज मैं तुम्हें दू ही नहीं तो हंस दूंगी, और क्या, इतने ही पसंद आ जाए किसी को तो वापस लेने से फायदा। बहुत खूब, तो जल्दी खोगे दिखाओ। वो तो मैं कभी की खो चुकी और आपको मालूम ही नहीं हुआ। कहाँ गई वो आपकी साइकोलॉजी, वो हाथ की रेखाएं, वो आपकी शान, कि मेरा पता मालूम कर लोगे? मालूम कर लूँ तो? तुम्हें लोग नहीं, नहीं क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों, क्या बात है? बिन बुलाए तो हम खुदा के घर भी नहीं जाएंगे। अच्छा ये बात है। हाँ कुछ ऐसी आदत है अपनी। तो फिर कुछ ऐसी आदत अपनी भी है कि जब तक हम बुलाए नहीं कोई आ भी नहीं सकता। अच्छा सुनिए, कल मेरे घर पे पार्टी है 6 बजे मेरे जन्मदिन की, आओगे ना? तुम्हारे बर्थडे की पार्टी, अब तो जरूर आना पड़ेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको मालूम है कि आज हमारे क्लब की गोल्डन जुबली है। इस खुशी के मौके पर आपकी खिदमत में एक नहायत ही अनोखा प्रोग्राम पेश किया जाएगा। अब तक आपने जो डांस देखा है उसमें सिर्फ रिदम पर ही जोर दिया जाता है और कहा जाता है कि ये पश्चिम से आया है, यानी इसका ताल्लुक वेस्टर्न म्यूजिक से है। लेकिन ऐसी बात नहीं, हमारे देश में भी हजारों वर्षों से रिदम यानी ताल पर ऐसे नृत्य होते थे जिनका आधार सिर्फ भारतीय संगीत पर ही होता था। ऐसा ही एक नृत्य आपके सामने मिस सुनीता पेश करेंगी। मिस सुनीता की कला में पूर्व और पश्चिम के संगीत और नृत्य का मधुर संगम आपको देखने में मिलेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मिस सुनीता। हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी तुमसे, ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया।
मुझको है समझाते, बीत रही थी हंसते गाते, मैंने तुम्हें किस लिए छेड़ा, राहों में आते जाते मुझे सब है सताते। तौबा मेरी तौबा के ये शरारत न मैंने करनी थी, तौबा मेरी तौबा के ये शरारत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। दिल ना खुल जाए, रात हमारे सपनों में छुपके, रोज कोई आए जाए, कहने आना जाए। तौबा मेरी तौबा के ये कयामत न मैंने करनी थी, तौबा मेरी तौबा के ये कयामत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया।
बे? जोर दो तीन, जोर दो तीन, तीन 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 तीन, जोर दो पांच, जोर दो तीन, जोर दो तीन। गुरु तू हाउ आर यू? शांतराम जी अंदर हैं? हाँ हैं। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? हाँ हाँ नहीं, जरूर जरूर। कमल प्लीज। ओ गोपाल, आओ गोपाल बैठो। मुझे आपसे कुछ मशवरा करना है। शुरू शुरू। धुआं तभी निकलता है जब आग लगा दी जाए। राइट। कारें और ट्रेनें तभी उड़ती हैं जब बम से उड़ा दी जाए। ये भी ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि दुश्मन देसी बम का इस्तेमाल कर रहा है, हाथ के बनाए हुए। तो अगर ये मालूम हो जाए कि वो हाथ किसके है तो दुश्मन के अड्डे का पता चल जाए। राइट। बम मारा। अरे मारना कूटना बाद में, पहले बम बनाने वाले का पता निकाल के ला। अरे बापू, पता लगाने की क्या जरूरत है? मैं बम समेत उसको आपके सामने खड़ा कर देता हूँ। शाबाश रे मेरा। आओ गोपाल। अच्छा अच्छा राजू राजू बेटे, इधर से जाओ, जोर दरवाजे से। बापू आज उधर से खुशबू नहीं आ रही है। जब कलयुग का जमाना आया है, बेटा बाप की नहीं मानूंगा, बाप से भी खुशहाल हो गए। खुशबू नहीं आ रही इधर। देखो तुम यहीं ठहरो, आंखें खुली रखना। आंखें नहीं गुरु, कान भी, लेकिन जबान बंद। ओहो वंडर में थंडर, जुबान भी बंद रखो। थैंक यू, तुमने डिसअपॉइंट नहीं किया। सुभान अल्लाह, मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आओ तुम्हें अपने पापा से मिला। पापा आप हैं मिस्टर गोपाल। दामोदर हियर, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी। सुनीता, एक्सक्यूज मी। बाय। हैव समथिंग? आप भी लीजिए। आई जस्ट हैड वन। पूछ सकता हूँ यहाँ तुम क्या करते हो? बिजनेस। कैसा? जैसा आपका वैसा मेरा। Oh. और हमेशा मेरी मुलाकात आप जैसे इन्हें गिने बड़े व्यापारियों से ही होती है। आई सी। लेकिन एक बात कह दूं, जब मैं बिजनेस के मैदान में उतरता हूँ, कोई और सामने आने की हिम्मत नहीं रखता। अच्छी खुशफहमी है। माय चाइल्ड, हम भी इस मैदान के बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। इससे पहले भी कुछ लोगों ने कोशिश की थी मगर घाटे में रहे। अब देखना है कौन घाटे में रहता है। ओहो, अभी तक यहाँ खड़े हो? इस पे नजर रखना। Happy birthday to you,
हैप्पी बर्थडे टू सुनीता, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे नजर रुक जाए, बेमिसाल जो कहलाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। कुछ मैं भी तोहफा आज लाता, और की तरह कुछ मैं भी तोहफा आज लाता, मैं तेरी हंसी महफिल में फूल लेके आता। जिन्हें कहा उसे क्या है फूलों की जरूरत, जो बाहर खुद कहलाए हर गली का दिल धड़काए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू सुनीता, हैप्पी बर्थडे टू यू। चमन से तुझको है सलाम भेजा, फूल ने चमन से तुझको है सलाम भेजा, तारों ने गगन से तुझको ये पयाम भेजा। दुआ है ये खुदा करे ऐ शौक तुझको, चांद की उम्र लग जाए, आए तो कयामत आए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सुनीता, हैप्पी बर्थडे टू यू।
ऐसी बेवफाई? ओ सुनीता, बेवफाई नहीं, मजबूरी को। नहीं तो ये हुस्न, ये रात, ये समा, ये सब छोड़ के जाने को किसका दिल जाएगा? पर क्या करूं, मेरे दादा जान की तबीयत बहुत खराब है। ओ आई एम सॉरी। दिल है तो तुम हो तो जिंदगी है। बाय सुनीता, फिर मिलेंगे। ओ बाय बाय। क्या बात है निको? गुरु, तीन बटलर बाहर आए, तीन गाड़ियां तेजी से बाहर दौड़ी, मुझे तो कुछ वंडर पे ठंड लगता है। ठीक है, तुम चलो, मैं देखता हूं। अरे चाबी तो दे। बाय। मेरा कमरा किधर है? जरूर मिलेगा। कौन है? तुम्हारा पति देव। दरवाजा बोलो। ए, तुम्हारा पति देव आ गए। मेरा पति देव? दाहले। हस्बैंड करता है? मेरी बीवी हाथ से नहीं मारेगी, जूता मारेगी। क्या कौन है? माफ कर दीजिए, आप मेरी बीवी नहीं है। वही है मेरा कमरा किधर है?
तुझे किसने भेजा? बोल। अच्छा बेटा, तो जहर खाने की तैयारी। सरकारी एजेंट का नामो निशान मिटा दूंगा और जितने सबूत हमारे खिलाफ हैं उन्हें भी। श्योर? जी हाँ, इस वक्त सब डोरियां मेरे हाथ में हैं। अब सर लटका है क्या खड़े, जाकर किसी मालगाड़ी के नीचे लेट जाओ। बेकार निकम, होता तुमसे कुछ नहीं और भुगतना मुझे पड़ता, नालायकी तुम लोगों की और इल्जाम मेरे सर पर। हेलो, कौन? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। ओह, इंस्पेक्टर साहब। हाँ हाँ, कोई आया तो नहीं? आया था, आपके जाते ही। हाँ? जाते ही? समझा। एक काम करो, उसे 3 बजे आने का कहो। 3 बजे? हाँ हाँ, ठीक 3 बजे, मेरे आदमी वहां 2:30 बजे ही पहुंच जाएंगे। यस, जरा नरमी, प्यार से बात करना उसे। जी हाँ, ताकि तुम्हारे भाई की तड़पती हुई आत्मा को शांति मिले। अच्छा, जानते हो इसमें क्या है? जहर, एक घूंट और आंखें हमेशा के लिए बंद। लो, इसे कमला के यहां ले जाओ और उसे कहना ये सुलाने वाली दवा है, स्लीपिंग डोज, थोड़ी उसे भी पिला दे ताकि दुश्मन को शक न हो। फिर देखना, एक तीर 2 निशान, एक चारपाई और 2 मुर्दे, समझे? हाँ सरकार। देखो 12 बजने वाले हैं, वो 3 बजे वहां पहुंचेगा, तुम 2:30 बजे ही वहां पहुंच जाओ, वरना तुम लोग हो गए और यही बोतल। जी सरकार। माफ कीजिए, मैं ठीक से बात ना कर सकी उस दिन, तबीयत ठीक नहीं थी ना। आज आ सकेंगे आप 3 बजे खुलकर बात करने? तो आ रहे हैं ना आप? देखिए, मैं अपने भैया को भूल जाना चाहती हूँ, ना भूलते हुए भी और बातें नहीं कर सकते क्या कुछ अपने बारे में? अपने बारे में जरूर,
हाँ हाँ ठीक 3 बजे। अच्छा अच्छा अकेला ही आऊंगा। ओ वंडरफुल थंडर गुरु, क्या मुकद्दर पाई है। आदमी जन्म ले तो तुम्हारी मुकद्दर लेकर, मेरी तरह नहीं। प्रेम पत्र को तो छोड़ो, आज तक किसी ने रद्दी का टुकड़ा तक के नहीं भेजा मुझे। अरे तकदीर बनाने वाले, कुछ गलत बोल गया क्या गुरु? नहीं नहीं, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। कल तक ये लड़की सीधे मुंह बात नहीं करती थी, और आज इतनी मीठी कि ठीक 3 बजे। चलो चल। समझ में नहीं आता गुरु, माथा तो कुछ मेरा भी ठनका है, मगर तुमने भी कच्ची गुलियां नहीं खेली। अगर वो चाल चले हैं तो तुम भी चाल चले हो। उसने 3 बजे बुलाया और तुम आधा घंटे पहले ही निकल पाए। मानता हूँ गुरु, मानता हूँ। क्या देखते हो, ये ट्रक कैसा रहेगा? बहुत अच्छा, लेकिन इस ट्रक का ड्राइवर बड़ा चलता फुरता चाहिए। गुरु इधर देखो, मैं कब काम आऊंगा ऑर्डर। अरे वो अंधे, अगर तेरे हाथ में स्टीयरिंग आ गया तो ये ट्रक हमारे ऊपर और हम ट्रक के नीचे, तब तो वंडर पे थंडर होगा। थंडर के बच्चे, तू जाके गुल्ली डंडा खेल, समझे ना। तेरा काम ट्रक चलाने का नहीं। खबर चलो। अभी तक तो कोई नहीं आया, मेरा तो इस ट्रक में दम खुला जा रहा है। सब्र का फल मीठा राजू, पेशेंस। गुरु वो कौन है? क्या भेस बना रखा है, ऐसे बदमाश भेस बदल कर ही आते हैं राजू। कावड़। लो एक और आ गया, चोर का भाई गिरे कर। जैसा बोला वैसा करो, नहीं तो अपना डब्बा गोल। गधा कहीं का, साले इसीलिए पकड़े जाते हैं, पैसे दिए बिना ही चला गया। बेवकूफ, समझता है कि हम बेवकूफ हैं। ये देखो जल्दी से, नए मेकअप में है। समझ में नहीं आता आखिर इन लोगों की चाल क्या है। नेवर माइंड। सुनो राजू, जैसे ये बूट पॉलिश वाला यहाँ से चला जाए, तुम ये ट्रक लेकर उस घर के पास पहुंच जाना और मेरा इंतजार करना। मैं 5 मिनट में इन सबसे निबट कर पहुंचता हूँ। फर्ज करो अगर मैं ना आ सका, तुम अपना काम पूरा करना, समझे? नहीं गुरु, तुम जरूर आओगे, भगवान तुम्हारे साथ है। गुड लक टू यू। गुड लक। गुड लक। लो बाकी हम देख लेंगे। कहो बेटा, धंधा कैसे चल रहा? अभी तो चालू नहीं हुआ सेठ। घबराओ नहीं, चालू हो जाएगा। खैर ये बताओ, ये मकान किसका है? अमरनाथ की बहन का तो नहीं, जिनका भी अभी एक्सीडेंट हुआ है? हाँ सेठ, छोकरी अकेली रहती है। क्यों सेठ, क्या बात है? बात कुछ भी नहीं चाचा, उसने बुलाया है मुझे। खैर छोड़ो, ये लो अब तो धंधा चालू हो गया बेटा। हाँ? मैं सच कह रहा हूँ, यकीन करो मेरा। नहीं नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी कहो, तुमने मेरे भाई को मारा है, धोखा दे रहे हो मुझे। मैं धोखा नहीं दे रहा,
तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? और बॉस चलो क्या करें, गड़बड़ हो गया हमारा प्लान। पढ़ी निकम्मी है आपकी पुलिस, हाथ आए दुश्मन को छोड़ दिया, मेरे सारे के कराए पर पानी फिर गया। कितना दुख है मुझे, मैं जानती हूँ। जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ कैसी आग भड़क रही है तुम्हारे दिल में। मैं उसे देखकर मुस्कुराई, फिर मैंने प्यार जताया, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो तो अच्छा हुआ कि उसी वक्त आपके लोग आ गए, वरना वरना क्या है जो ऐसे लोग नहीं कर सकते। तो मैं भी अपने भैया के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, बदला लेने का मुझे मौका दीजिए। मिलेगा, जरूर मिलेगा, बदला लिया जाएगा तो तुम्हारे ही जरिए। जल्दी तसल्ली रखो। देखो, मुझे शक है कि कमला को दामोदर के घर में ही रखा होगा, और कमला का पता लगाना बहुत जरूरी है। हाँ गुरु, बहुत जरूरी है। देखो मैं बाहर जा रहा हूँ, ये लो माइक, और इसे बलून्स के बीच में छुपाकर सीधे दामोदर के घर पे पहुंचो, अब मेरे आने तक वहीं रहना, समझे? समझ गया। क्या समझे? वंडर पे थंडर, तुमने जैसा बताया वैसे ही होगा गुरु। ओके, तुम पहुंचो, पहुंचो। आना पड़ा। क्या करता जब तुम्हारे डैडी घर में हो तो और कैसे आऊं? डैडी घर में है तो क्या हुआ, चलो अंदर चलो। नहीं सुनीता जी, तुमसे एक बहुत जरूरी काम है, चलो कहीं और चले। ठीक है, लेकिन अंदर चलो। आओ आओ ना, आओ। अच्छा गोपाल, मैं अभी आती हूँ। अच्छा हेलो गोपाल, क्या बात है बरखुरदार, तबीयत ठीक नहीं? जी। तो फिर खड़े क्यों, चलो चलो बैठो, बी कंफर्टेबल, बैठो बैठो। आज इतने परेशान क्यों? अजी साहब क्या कहूँ, यहाँ आने के बाद तो नींद ही गायब हो गई है, और आती भी है तो अजीब अजीब सपने दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देता है सपनों में? यही धमाके से उलटती हुई रेलगाड़ियां और एक डैम जिसे देश की गद्दार बम से उड़ाने की कोशिश कर रही है। समझ गया, नर्वसनेस, लेकिन इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक दवा है, खाते ही सब परेशानियां दूर हो जाएंगी। सच? मैंने तुम जैसे कई केस ठीक कर दिए।
से ही खानी होगी? नहीं, पानी के साथ। लेकिन एक बात है, ये दवा सिर्फ थोड़ी देर असर करती है। अगर तुम चाहो कि तुम्हारी सब परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाएं, तो एक दूसरी दवा भी है। क्या? लड़की। नाम? सुनीता। मतलब शादी? ओ थैंक्स, लेकिन इस मेहरबानी की वजह? सुनीता मेरी इकलौती बेटी है। कोई और वजह? हाँ, जो सुनीता से शादी करेगा उसे मेरी सब दौलत मिलेगी। कोई शर्त? जो बिजनेस तुम कर रहे हो तुम्हें वो छोड़ना होगा। अगर मैं कहूँ मेरी भी एक शर्त है तो? क्या? जो बिजनेस आप कर रहे हैं आपको भी छोड़ना होगा। मैं मजबूर हूँ। ठीक है, मैं भी मजबूर हूँ। तुम्हारी मर्जी। लो ये गोली लो। ऐसे ही खानी होगी? नहीं, पानी के साथ। ओ थैंक यू। रहने दीजिए, बाद में खा लूंगा होटल जाकर। कहीं ऐसा ना हो यही बुरे बुरे सपने दिखाई देने लगे। पहले से भी ज्यादा खतरनाक, और मैं आपके लिए मुसीबत बन जाऊं। अच्छा जी,
किसी दूसरों का नहीं, उनका है जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। जैसे हम? हाँ, जैसे तुम, जैसे मैं। तो इसमें मुसीबत क्या है? उनसे कहो, एक हो जाए शादी करके। इतना आसान नहीं है। क्यों? उस लड़की का बाप दीवार बन गया दोनों के बीच। नहीं, वो एक सांप है, जहरीला सांप, देशद्रोही। कोई जुर्म ऐसा नहीं जो उसने नहीं किया हो। लड़की को ये बात मालूम है? नहीं। तो होनी चाहिए। होनी तो चाहिए, लेकिन बताए कौन? वही जो मोहब्बत करता है। मोहब्बत तो करता है, लेकिन लेकिन वो आदमी मैं हूँ सुनी। तुम और वो लड़की? वो लड़की तुम हो और वो मुजरिम देशद्रोही। मैं नहीं मान सकती। मैं भी नहीं मानता था, मानना भी नहीं चाहता था, लेकिन जब अपनी आंखों से देखा। बिल्कुल नामुमकिन। सुनीता, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना? करती। तो जाओ दिल पे पत्थर रखकर सीधे अपने पापा के पास और बेधड़क होकर उनके मुंह पे कह दो कि तुम उनकी हर चाल को जानती हो। नहीं सुनीता, मेरी बनना है तो झूठ को भी नकाब करना ही होगा। देश की खातिर, अपनी खातिर, इन आंसू की खातिर, अगर तुम चाहती हो कि मैं इन आंसुओं को अपना समझूं। जैसा मैं कहता हूं करो, करना ही होगा। अब तक जो आपने किया है मुझे मालूम है। क्या हुआ बेटी? क्या है जो नहीं? बेइज्जती, शर्मिंदगी, अपनी ही नजरों में गिर जाना। मतलब? एक हूमी की बेटी समाज में इज्जत पाए तो कैसे? सुनीता, एक गुनहगार की बेटी नेकी की जिंदगी गुजारे तो कैसे? ये क्या बकरी हो सुनीता? आपका असली रूप क्या है मुझे मालूम हो गया है। पागल हो गई क्या? मैं और मुजरिम, खूनी, गुनहगार, किसने बहका दिया तुम्हें? ये पूछिए, किसने आंखें खोल दी मेरी? भूल है तुम्हारी, तुम भूल रही हो लोग हमारे खानदान की कितनी इज्जत करते हैं। मेरा एक दर्जा, समाज में ऊंचा स्थान। तुम्हें यकीन कैसे आया कि ये जुल्म, ये जुर्म, ये सब मैं कर रहा हूँ? यकीन तो मुझे भी नहीं था, लेकिन पापा इधर देखिए, ऊपर मेरी तरफ। अब बताइए सच क्या है? आपको मेरी कसम। सुनीता, हाथ से खींच लिया, कहिए ये झूठ है, खाइए मेरी कसम। नहीं नहीं, तू मेरे आँख की पुतली है बेटी, मेरे दिल का टुकड़ा। मैं जी रहा हूँ तो तेरा मुंह देखकर, तेरे लिए बेटी। मुझसे कसम नहीं खाई जाएगी, मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो जो मैंने सुना है वो सच है? मैं सचमुच पापी हूँ बेटी, था नहीं, कोई जन्म से नहीं होता, हो गया। लेकिन मैं जो हूँ, जैसा भी हूँ, तुझे सुखी देखने के लिए बेटी। मेरे लिए? हम बेहद गरीब थे, उन सबको सुखी देखने के लिए मैंने चोरी की, जिसकी बहुत बड़ी कीमत मुझे देना पड़ी, जेल जाकर नहीं, जिंदगी ही में। तुम्हारी माँ तो मुझे माफ करने से पहले ही चल बसी। मैंने चाहा कि मैं इस पाप को धो डालूं, एक शरीफ बाप की तरह तुझे पाल कर, लेकिन वो लोग जो जानते थे कि मैं पुलिस के हाथ नहीं लगा, अपनी चालाकी से उन लोगों ने मुझे मजबूर किया और जुर्म करने के लिए,
और जुर्म करने के लिए मैं क्या करता, बेटी मैं क्या करता, क्या करता, बेटी? ऐसा मालूम होता है उनके अलावा भी कोई और है जो मेरा पीछा कर रहा है, जो मेरे राज जानता है, जो मुझे मिटाना चाहता है। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, इधर भी मुसीबत उधर भी मुसीबत, एक तरफ कानून दूसरी तरफ वो लोग। कौन है वो लोग? वो लोग बताइए ना। नहीं नहीं बता सकते? नहीं बेटी, बचने का कोई रास्ता नहीं। होता तो मुझे दिखाई नहीं देता, मैं ये जिंदगी गुजारता। नहीं कोई नहीं है पापा, एक रास्ता है। क्या? आपके गुनाहों की सजा भुगतने से पहले मैं इस दुनिया से चली जाऊं। क्या आत्महत्या? हाँ। नहीं नहीं, तुम्हें जिंदा रहना होगा, तुम जिंदा रहोगी, जान जाएगी तो तुम्हारी नहीं उसकी, जिसने मेरा राज तुम पर खोला। जहाँ इतने पाप वहाँ एक और सही। कौन है वो? जहाँ खून टपके वहाँ फूल नहीं खिलते डैडी, तलवारें उगती हैं। किस काम का वो सब जिसे खून की बू आए? ये पाप, ये दाह, ये पाप की निशानी जो मैं हूँ, ये तभी मिट सकती है जब मैं मिट जाऊँ। सुनीता? नहीं सुनीता नहीं, ऐसी बात न करो बेटी। तुम कहो तो हम कहीं और चले जाएंगे, एक नया जीवन शुरू करने, नए सिरे से। ये पाप की निशानियाँ, ये दौलत, सब कुछ यही छोड़। मगर तुम भी वचन दो बेटी, मरने का कभी नाम न लोगी। सच पापा? तुम्हारी कसम। सुनीता, जो मैं सोचता था वही हुआ। ये तो साबित हो गया कि दामोदर कठपुतली है किसी दूसरे के हाथ। Thank you.
चाचा आ जाना। यहाँ देखने वाला सुनने वाला कोई नहीं है, बस मैं और तू। तुरु तुरु
पास, क्या हुआ इन्हें? अचानक बेहोश हो गए, अस्पताल ले जा रहे हैं। ओह माय गॉड, चलो जल्दी चलो। ठिकाने लग जाएगी। ये लड़की कौन है? दामोदर की बेटी। अच्छा, क्या हो रहा है, यहाँ क्यों लाए हुए? अभी बताता हूँ, ले जाओ इसे बाहर। हम पहले इस खबीज की खोपड़ी से सच निचोड़ लें और फिर इस छोकरे से भी निपट लेंगे। निचोड़ना चाहते थे? यही काम करने तो मैं यहाँ आया हूँ। मैं भी जानता हूँ इस मशीन का इस्तेमाल। बोलो। नहीं, कभी नहीं, मर कभी नहीं। मरने के बाद क्या बोलोगे? बचना चाहते हो तो बोलो, और अभी। नहीं, हरगिज नहीं। नहीं? नहीं। ठीक है। कौन है तुम्हारा बॉस और कहाँ है उसका अड्डा? मैं कुछ नहीं जानता। नहीं जानता? नहीं, कुछ भी नहीं जानता। नहीं, मैं तो एक खिलौना हूँ उनके हाथ में, नौकर। हम सबका एक ही मालिक है, सारी ताकत उनके हाथ में। तुम्हारे जरिए वो कहाँ मिल सकता है और कैसे? मैं कुछ नहीं जानता। तुम नहीं जानते तो कौन जानता है? दामोदर जानता है? उसके घर में खुफिया फोन है, बॉस से बात करने के लिए, लेकिन वो भी तो नौकर ही है मेरी तरह, एक खिलौना। थैंक्स।
मैं बाहर आ रहा हूँ, अपने अपने हथियार गिरा दो वरना सबको गोली से उड़ा दूंगा। Thank you.
हैं सदियों पुराने, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने, हम भी जमाने से है तेरे दीवाने, हम भी जमाने से है तेरे दीवाने, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। आई है यूं प्यार से जवानियां, अरमां दिल में है दिल मुश्किल में है जाने तमन्ना, तेरे इसी प्यार की कहानियां, अरमां दिल में है सबके दिल में है जाने तमन्ना, खेलते हैं सब मुझको अपने बेगाने, खेलते हैं अपने बेगाने, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने।
काम मैं फिर कभी नहीं करूंगा। मेरी बेटी सुनीता कहाँ है वो? आता हूं, अभी आया वही अड्डे पर। तुम्हारी जिंदगी सुप्रीमो के मुट्ठी में है, ऐसा वो चाहेंगे करना होगा, समझे? दोबारा अपने आदमियों को इकट्ठा करो, सुप्रीमो के हुक्म से। नहीं नहीं, मैं किसी को इकट्ठा नहीं करूंगा, अब मैं कोई जुल्म नहीं करूंगा। मैंने अपनी बेटी को वचन दिया है कि अब मैं वो जिंदगी छोड़ दूंगा, मैंने कसम खाई है उसकी, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। इनकार किया तो जानते हो तुम्हारी बेटी का क्या होगा? 24 घंटे दिए जाते हैं तुम्हें अपने आदमियों को इकट्ठा करने के लिए, तभी तुम्हारी बेटी छूटेगी, नहीं तो सत्यानाश कर दिया जाएगा। नहीं नहीं, मैं अपने सब आदमियों को फिर इकट्ठा करूंगा, उनके सर आपके कदमों में लाके झुका दूंगा। लेकिन मेरी बेटी उस पर कोई आंच ना आए। मंजूर है मुझे सुप्रीम का हो? नहीं, नहीं। तुम क्या हमें बुद्धू समझते हो? तुम लोग घड़ी के अंदर टाइम बम रखते हो, टाइम बम रखते। तुम्हें मालूम नहीं हमारे पास तुम्हारा लेटर है। लेटर? हाँ। वो भी जला हुआ? नहीं नहीं, बोले कुछ नहीं जलाया। जलाया तो लेटर तुमको कैसे मिला? तुमको कैसे मिला? अरे बुद्धू, हम लोग कुछ ऐसे वैसे आदमी नहीं हैं। हमारे पास एक ऐसा मंत्र है कि हम भूत को भी जिंदा करें। अभी बता। ये देखो, यही है ना वो लेटर? मालूम नहीं मास्टर, किसी को मत कहना, उन लोगों को भी नहीं तो वो हमारा जान ले लेगा। हम फूल बन गया बेवकूफ, पैसा के वास्ते, मनी ओनली। हम जानता है तुम पैसे के लिए अपना ईमान बेचते हो, शर्म नहीं आती? अधार कहीं के
है, छोड़ो जो हुआ सो हुआ, मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ अगर तुम मेरी मदद करो तो। सच मास्टर? हाँ। तो हम बच जाएगा ना मास्टर? हाँ तुम बच जाएगा। तुम ये बता सकेगा कि वो लोग बम कहाँ पहुँचाएगा? मालूम नहीं मास्टर, जिधर वो बोलेगा उधर। कब पहुँचाएगा? अपन को 4 दिन का टाइम दिया मास्टर। हाँ। नया ऑर्डर आता होगा आज या कल। देखो ऑर्डर आते तुम हमको खबर करेगा। हाँ यस मास्टर। ओके मास्टर, लेकिन एक बात, ये मामला हमारा और आपका बीच में रहेगा तो अच्छा होगा, खुल गया तो हमारा खोपड़ी खोल देगा। तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारा खोपड़ी को संभाल के रखेगा। ये तुम्हारे लिए बख्शीश, तुम हमको वो पॉइंट बताएगा तो इससे डबल माल देगा। ओके मास्टर। ओके, लेकिन जलाया हुआ खत कैसे पढ़ लिया उन लोगों ने? झूठ, सफेद झूठ। नो सर नो, हमने अपना आंख से देखा, शांताराम ने वो लेटर अपने सेफ में रखा और हमारा बहुत सारा सीक्रेट भी उसमें होगा। फिर ओसा प्लेंटी। इसका मतलब है खतरा। हाँ तो क्या करें उसका? इसका कुछ समझ में नहीं आता, फिर सोचेंगे। अरे सोचना क्या है, दुश्मन को हमारे बारे में सब कुछ मालूम हो चुका है, अब हमारे लिए एक ही रास्ता है। ठीक है, लेकिन तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी बेटी अभी तक सुप्रीमो की कैद में है, और अगर तुमने उसका हुक्म नहीं माना तो। अच्छा, जो तुम्हारे जी में आए करो। है टॉनी। यस सर। शांताराम को जो कुछ मालूम है वो हमें भी मालूम होना चाहिए। हेलो, हु इज स्पीकिंग? शांताराम। हेलो शांताराम जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। नहीं अभी मत आओ, मैं बाहर जा रहा हूँ, जरूरी काम है, उसके बाद सीधा मैं तुम्हारे पास आऊँ। क्या आप इधर आ रहे हैं? 1 घंटे में, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ओके ओके, मैं आपका इंतजार करूंगा। ओके। हेलो ऑपरेटर, कनेक्ट मी टू 21448। हेलो, कौन बोल रहे साहब? मैं गोपाल बोल रहा हूँ। ओ गोपाल, क्या बात है, आप अभी तक आए नहीं, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे पास आ रहा था? नहीं तो आपने थोड़ी देर पहले फोन किया था कि मैं अभी आ रहा हूँ। मैंने कोई फोन नहीं की थी। नहीं किया? नहीं, फोन तो आपने किया था शायद राजू को, कह रहा था नया क्लू मिला है। ये जरूर कोई नई चाल है उनकी। होशियार रहिए, मैं अभी आता हूँ। जी हाँ। नहीं, दोस्त। क्या? हाँ। वो तुम्हारा होटल जाना,
नाचना गाना और दवा पिलाना सब एक बहाना था, एक चाल थी। नहीं बदला, चाल तो तुम लोगों ने चले, मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर चाल तो तुमने चले, पुलिस का भेद बदल कर। अच्छा तो तुम्हें सब कुछ मालूम है? हाँ, इसकी मदद हासिल करने मैंने इसे सब कुछ बता दिया उस उजार घर में, और साबित कर दिया कि सरकारी आदमी मैं हूँ। इसलिए मैं झूठ मूठ तुम लोगों से जा मिली, तुम्हारी हर चाल को नाकाम करने। जलील चाल, अब चला जुली, अब चला। तू हमें खत्म करना चाहती है, देखता हूँ कब तक चलती है तेरी दोहरी चाल। अब चला जुली, चल चल। कुछ लोग अभी अभी कार में बैठकर रफू चक्कर हो गए। क्या बात है गुरु, क्या हुआ? क्या जो कुछ हुआ बहुत बुरा। सुनिए तो, हाँ मैं वही करूंगा जो आप चाहते हैं, मगर उसे हाथ न लगाइए। हाँ करूंगा जरूर, जो आप कहें उसकी खातिर। हेलो 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 प्लीज। क्यों हैरान हो गए मुझे देखकर? इसलिए कि मैं जिंदा हूं? देखिए आप बाजी हार गए, आपने जो कुछ भी किया मैं सब कुछ जानता हूं। खून, तोड़फोड़, धोखा, गद्दारी, बस तुम इतना समझ लो कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं अच्छा या बुरा अपनी बेटी की खातिर। अच्छा तो आपने शांताराम का खून जो किया है इतनी बेरहमी से, अपनी बेटी की कसम खाने के बाद, वो भी अपनी बेटी के लिए? बेरहमी से नहीं, अपनी बेटी के लिए मजबूर होकर, उनके हाथों जिन्होंने मेरी बेटी को कैद कर लिया है। क्या? उनकी कुछ शर्तें हैं उसे छोड़ने की। क्या शर्तें हैं बताइए मुझे। तुम्हारा खून, तुम्हारे साथियों का खून, वरना मेरी बेटी सुनीता का खून। सुनीता का खून? कहाँ है वो लोग, किस जगह, कहाँ है उनका अड्डा? मालूम भी हो तो नहीं बता सकता, नहीं बताना चाहिए मुझे, वरना मेरी सुनीता की जान। नहीं बताऊंगा। मिस्टर दामोदर, हम जानते हैं कि आप मुजरिम हैं, अगर अब तक आपको गिरफ्तार नहीं किया तो सिर्फ इसलिए कि शायद दुश्मन को घेरने में आप हमारी मदद कर सकें। अगर अब भी आपने हमारी मदद न की तो आपको इसी वक्त गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दामोदर साहब, इसी वक्त। इसी वक्त? जी हाँ। मुझे थोड़ी मोहलत नहीं मिल सकती? सिर्फ एक दिन। किस लिए? क्या अपनी बेटी की भलाई में अब भी कुछ बाकी है? नहीं, मुझे एक हिसाब चुकता करना है मरने से पहले। नहीं मिल सकती। चलिए दरवाजा खोलिए। पहले आप। सॉरी माय बॉस। क्या बात है सरकार? मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूं, जिंदा लौटा तो फिर मुलाकात होगी, न लौट सका तो ये जलील और घटिया जिंदगी छोड़ देना। गोपाल घर में है बेहोश, जब उसे होश आए जाने देना, रोकना मत। चलो
सब बम ला दिए? हाँ सब ला दिए, मगर ऐशर का बॉटल नहीं। क्यों? ऐशर का बम के साथ जाना ठीक नहीं, एक दूसरे से टकराएगा, फट जाएगा। ओ ठीक है, लेकिन सब ऐशर पहुँचाओगे कैसे? ओ फिकर मत करो, डोंट वरी, पहुँच जाएगा, हम पहुँच जाएगा, तुम चलो। ओके ओके हरी। सिग्नल दे रहा है। इस बदमाश को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। बदमाश, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जल्दी से इसको डिक्की में डाल दो, जल्दी करो। मैं उधर आऊं? कामयाब हो गई, जहरीली खाद बन गई जैसे कि आप चाहते थे। देखिए, नहीं नहीं, एक औंस ही काफी है एक एकड़ खेत को तबाह करने के लिए। गो अहेड,
दामोदर फैक्ट्री में आ गया है। हिल सुनीता। मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या किया है मैंने? तुमसे ज्यादा तुम्हारे बाप ने, जो तुम्हें बचाने आया है, लेकिन अब तुम्हारा खुदा भी नहीं बचा सकता। नहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। जी चाहे करो, मुझे अपनी परवाह नहीं, लेकिन मेरी बेटी को बख्श दो। कहाँ है वो? कहाँ है मेरी बेटी? एक बार देख लेने दो मुझे अपनी बेटी को, सिर्फ एक बार। डैड। क्या? मार डाला उसे? यस। बदमाश, खूनी, तूने मेरी बेटी सुनीता को मार डाला। ना वादा ना करके उसका कुछ ना बिगाड़ोगे अगर मैं तुम्हारा कहना मान लूंगा। मैंने तुम्हारा कहना माना, फिर से अपने आदमी इकट्ठे किए, अपने हाथ खून से रंगे, अपनी बेटी की खातिर तेरी जबान पर एतबार करती। लेकिन नहीं, तुम जैसों की जबान क्या और तुम्हारा एतबार क्या और तुम क्या? खून का बदला खून। You can't kill me. But I can. खबरदार, जरा भी हिले तो तुम्हारे सुप्रीमो की मौत। अपने अपने हथियार गिरा दो। हाथ ऊपर, दीवार की तरफ। सुनीता, सुनीता ये रोने का वक्त नहीं है। 20 मिनट के अंदर टाइम बॉम्ब फटने वाला है, जल्दी चलो। टाइम बॉम्ब? हाँ टाइम बॉम्ब। ये तुम्हारी फैक्ट्री, ये तुम्हारा अड्डा एक धमाके से उड़ जाएगा। लेकिन तुम इतनी आसानी से मर जाओ? हरगिज नहीं। चलो आगे बढ़ो। चलो मुंह में धकेलेगा।
सुनीता की तरह कैद हो? नहीं कमला, अब मैं वो पहले जैसा दामोदर नहीं। हूँ कुछ नहीं, अभी वक्त कम है, मेरे साथ चलो, बाद में बताऊंगा। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं सुनीता, उस जाली में करंट है।
116। शाबाश, दुश्मन का अड्डा तुम्हारी बदौलत तबाह हुआ, देश तुम्हारा एहसान मंद और मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, ये मेरी जीत ही नहीं, हम सबकी जीत है, सारे देश की जीत है। इजाजत दीजिए, मुझे एक जरूरी काम है। चलो, जाने से पहले दफ्तर में अपना पता लिखवा दे जाओ, फिर तुम जानो और तुम्हारा काम। यस सर।